मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप फाइव खबरों की। मुंबई के कफ परेड इलाके में दो बसों की जबरदस्त टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सड़क किनारे पहले से ही एक बस खड़ी थी और पीछे से आ रही एक दूसरी बस ने इस बस को टक्कर मार दी। इसी दौरान एक शख्स दोनों बसों के बीच में आ गया, जिसका नाम डॉक्टर बलराम बताया जा रहा है और इनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र के वैजापुर में एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतना ज़बरदस्त था कि टक्कर लगने की वजह से बाइक सवार करीब 6 फीट हवा में ऊपर उछलकर ज़मीन पर गिरा और इसकी मौत हो गई। इसका नाम सुपर सिंह बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार तेज रफ्तार कार आ रही है, तभी दूसरी तरफ से बाइक सवार ये शख्स जा रहा था, लेकिन अचानक ये अपनी बाइक को मोड़ लेता है, तभी कार से टक्कर हो जाती है और इस टक्कर में इस शख्स की मौत हो गई। हथियार लहराने का एक वीडियो एक शख्स को महंगा पड़ गया है। पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल्याण में रहने वाले प्रदीप ने हथियार के साथ एक वीडियो बनाया और इस वीडियो को सोशल मीडिया में डाल दिया। वायरल होने के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। मुंबई एनसीबी के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े और उनकी बीवी को जान से मारने की धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर है कि धमकी सीमा पार से दी गई है। फेक ट्विटर अकाउंट दाऊद के नाम से धमकी देकर निशाना बनाया गया है। इस मामले को लेकर समीर वानखेड़े पुलिस में भी शिकायत करने वाले हैं। यूपी के कानपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 80 साल के एक पुजारी ने 8 साल की मासूम से शारीरिक छेड़छाड़ किया है। पकड़े जाने पर पुजारी की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई की है। आरोपी पुजारी का नाम घनश्याम दास बताया जा रहा है। पिटाई करने के बाद पुजारी को पुलिस को सौंप दिया है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।